तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है पोको का न्यू लॉन्च स्मार्टफोन पोको M6 Pro 5G। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके कैमरे का रिव्यू, इसके फीचर्स के बारे में बात, और दोस्तों आपको बताएंगे इसके फोटोज़ की क्वालिटी के बारे में कि इस स्मार्टफोन में आपकी जो फोटोज़ की क्वालिटी है वो कैसी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यूकूल ऑफिशियल टेक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो कैमरा है कैमरे को हम कर लेते हैं ओपन। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कैमरा ओपन। तो यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन कर लिया है। कैमरा ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे इसके फीचर्स के बारे में बात कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स दिए रहते हैं, कौन कौन से मोड्स आपको इसमें दिए रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको टाइम लैप्स यहाँ पर जो मिल जाता है, यहाँ पर आपको वीडियो मोड मिल जाता है, फोटो मोड मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और नाइट मोड मिल जाता है और 50 मेगापिक्सल का आपको एक कैमरा मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए इसके फोटोज़ के बारे में, फ़ोटोज़ क्वालिटी के बारे में वो भी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक जो है यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन दिख जाता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर देखिए फ्लैश का ऑप्शन दिख जाता है। फ्लैश आप सिंपली ऑन और ऑफ़ कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑन कर सकते हो और ऑफ़ कर सकते हो और आउटो कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको एक एरो का आइकन दिखता है। तो यहाँ पर देखिए एरो का आइकन में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक फ्लैश का फीचर्स मिलता है, फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है, भाई सारे रेशियो यहाँ पर आपको दिए रहते हैं, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, मूवी वाला रेशियो मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जाते हैं बैक, यहाँ पर आपको HDR का ऑप्शन मिल जाता है, हाई डायनामिक रेंज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन मिल जाती है, ग्रिड लाइन दोस्तों यहाँ पर आपको जो फ्रेम है उसमें ग्रिड लाइन आ जाती है, यहाँ पर आपको टाइमर का एक ऑप्शन मिल जाता है, गूगल लेंस का एक ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस शटर का ऑप्शन मिल जाता है, आप जो है वॉइस से यहाँ पर जो है आपका साउंड शटर कर सकते हो, आपका फोटो क्लिक कर सकते हो, टिल्ट शिफ्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपकी जो टिल्ट है यहाँ पर जो पूरी शिफ्ट हो जाती है, मतलब आजू बाजू जो पूरा ब्लरेशन हो जाता है, यहाँ पर आपको एक टाइम बस्ट मिल जाता है और सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे और आपको बताएंगे सारी सेटिंग की डिटेल्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, यहाँ पर जूमिंग के बारे में, इसमें आपको टोटली जो है 10x की जूमिंग मिल जाती है। अब दोस्तों इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, फोटो क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि फोटो क्वालिटी जो है कैसी आने वाली है। अब दोस्तों इसमें जो आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, आपको पता ही होगा 50 मेगापिक्सल का आपको AI कैमरा मिलता है। अब जो है उससे हम फोटो क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर जो आउटडोर में तो मैं हूँ, और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेस आपको दिख रही हैं इसके कुछ हम फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ फोटो क्लिक, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैं दूर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक फ़ोटो क्लिक। फ़ोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आइट साइड के आजू बाजू के पूरा फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दो फोटो मैंने बैक साइड के क्लिक कर लिए। अब दोस्तों से आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, तो उसके भी हम यहाँ पर जो है कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आ जाता हूँ फ्रंट में, अब यहाँ पर जो है मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फ़ोटो जो है कैसे क्या आ रहा है। अब मैं आपको फ़ोटो क्लिक मैं करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो की क्वालिटी आप देख सकते हैं, मैं हिल चुका हूँ, तो 8 मेगापिक्सल की कैमरे की क्वालिटी जो है यहाँ पर थोड़ी अच्छी आ रही है, ठीक आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स भी अच्छे हैं, इसमें जो आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्लियरिटी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो नेचर है ठीक है, ठीक ठाक कैमरा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो 50 मेगापिक्सल का आपका कैमरा है इतनी खास क्वालिटी आपको नहीं दे रहा जितनी देना चाहिए, और AI जो आपका है AI में भी जो है सही क्वालिटी नहीं दे रहा। मैंने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर इनडोर में भी क्लिक करके दिए, देखे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये आपको बता दूँ इसमें कलर जो है ग्रीन जो काफ़ी ज़्यादा कलर्स एनहेंस कर दिए हैं, कुछ फ़ोटोज़ में यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पर जो है कर लेता है और कुछ फ़ोटोज़ में जो यहाँ पर अच्छा AI नहीं देता। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दे दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ये फ़ोटो किया सेल्फी कैमरे से, तो ये भी अच्छा फोटो आया, इसमें जो है पूरी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ब्यूटी यहाँ पर जो है कर दी हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये भी देख सकते हैं, ये भी मैंने क्लिक किया, ठीक ठाक फोटो आया है, इतना खास नहीं आया। यहाँ पर देखिए मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया, यहाँ पर जो है मैंने इनडोर में किया था तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, इतना खास नहीं लग रहा। ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर जो ये भी मुझे इतना खास फ़ोटो नहीं लग रहा, मतलब ठीक ठाक है 50 मेगापिक्सल के हिसाब से जो है ये
फोटोज आपको ये नहीं लग रहा। तो दोस्तों अगर आप कैमरे के हिसाब से इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को जो है कैमरे के हिसाब से आपको नहीं लेना है। बाकी अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो सही स्मार्टफोन है, कैमरा क्वालिटी के हिसाब से सही स्मार्टफोन नहीं है। तो दोस्तों आपको इसके कैमरा क्वालिटी कैसी लगी इस स्मार्टफोन की हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।